गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला डेली हैंडरिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 27 जुलाई 2022 और पेज संख्या है 137। पहला है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने हाल ही में NDDB मृदा लिमिटेड का शुभारंभ किया है। यह किसकी सहायक कंपनी है? यह सहायक कंपनी है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की। ठीक है, यानी केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री ने हाल ही में NDDB मृदा लिमिटेड का शुभारंभ किया है। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। मैं यहाँ जानकारी दे दूँ कि NDDB मृदा लिमिटेड का उद्देश्य देश भर में खाद प्रबंधन पहल को आगे बढ़ाना है। NDDB मृदा लिमिटेड डेयरी किसानों के लिए गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय के रास्ते खोलने में मदद मिलेगी। साथ ही गोबर गैस घोल आधारित उर्वरक बनाने वाली एजेंसियों को विपणन और बिक्री सहायता प्रदान करेगी। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि NDDB मृदा लिमिटेड का शुभारंभ जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय नागरिक को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो आपको याद रखना है इंदरमीत गिल को जो है मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? विश्व बैंक में। तो यहाँ पर आपके लिए है कि विश्व बैंक में किस भारतीय नागरिक को मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदरमीत गिल। इससे पहले कौशिक बसु जो है साल 2012 से 2016 तक इस पद पर रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? कौशिक बसु। यानी इस पद पर रहने वाले इंदरमीत गिल दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, आइए उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने हाल ही में कौन सा एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इस नए मोबाइल ऐप का नाम है आधार फेस RD। ठीक है, क्या नाम है? आधार फेस RD। तो आपको याद रखना है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में आधार फेस RD नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि आधार फेस RD ऐप फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण के लिए यूजर के चेहरे को कैप्चर करती है। इस ऐप का उद्देश्य आधार कार्ड धारकों को अपने चेहरे का उपयोग करके 12 अंकों के विशिष्ट पहचान संख्या को प्रमाणित करने में सक्षम करना है। ठीक है, तो याद रखना है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार फेस RD नामक एक नए ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को आप अपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया है? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका बन गया है। यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार पहले चीन हुआ करता था, लेकिन अब जो है अमेरिका बन गया है। अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापार है वह $119.42 बिलियन पहुंच गया है, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारत ने कौन कौन से 5 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, यानी रामसर स्थल नामित किए हैं? तो ये 5 रामसर स्थल नामित किए हैं, तमिलनाडु के 3। क्या नाम है? कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य पहला हुआ, दूसरा है पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, और तमिलनाडु का तीसरा है पीचवरम मैंग्रोव। ये 3 स्थल जो है, रामसर स्थल जो है तमिलनाडु के हैं, और 1 मिजोरम के हैं, नाम है पाला आर्द्रभूमि, और 1 मध्य प्रदेश के हैं, क्या नाम है? साक्षी सागर। तो ये 5 नए
रामसर स्थल जो है कि भारत ने नामित किए हैं। इस 5 नए रामसर स्थलों के साथ देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 54 यानी 54 हो गई है। तो आप 5 के नाम याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट है, भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो भारत के पहले बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ जो है गुजरात में किया जा रहा है। यह बुलियन एक्सचेंज सोने की वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के साथ कुशल प्राइस जो डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान कराएगा। बताया जा रहा है कि देश में अब जो भी सोना आएगा इसी बुलियन एक्सचेंज के माध्यम से ही आएगा। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ जो है गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा जो है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है वहां सरकार की ओर से बेहतर इलाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, आईआईटी कानपुर किसके सहयोग से निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू कर रहा है? तो आईआईटी कानपुर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से निर्माण और एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू कर रहा है। यानी एक्सेलरेटर का मतलब होता है कि गति देना। एक्सेलरेटर का मतलब क्या हुआ? गति देना, यानी निर्माण को जो है गति देने के लिए इस कार्य को शुरू कर रहा है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है कि इंद्रावती, प्राणहिता, वर्घा और मंजरा किस नदी की सहायक नदी है? नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंद्रावती, प्राणहिता, वर्घा, मंजरा, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर जो है काफ़ी ऊंचा हो गया है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबक नामक स्थान नासिक महाराष्ट्र से होता है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्घा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा इसकी सहायक नदी है। इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। याद रखिएगा गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई हैं और उन्होंने 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, क्या नाम है? एनवी रमना। आपको यहाँ पर नाम याद रखने हैं कि किस मुख्य न्यायाधीश ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई है। तो नाम है न्यायाधीश एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलाई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 61 तक आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए फिर नेक्स्ट है, अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता किस शहर में शुरू हुआ है? तो अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जयपुर शहर में शुरू हुआ है। जयपुर राजस्थान का शहर है, इसको गुलाबी शहर के नाम से भी हम आप जानते हैं। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। आज 27 जुलाई है और 27 जुलाई 1939 को नीमच मध्य प्रदेश में केरिपू बल
क्या है केरिपू बल, इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तरह आज समझ सकते हैं क्योंकि यह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का पुराना नाम है। इसका फुल फॉर्म उस टाइम हुआ करता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल। केरिपू बल का मतलब क्या होता था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल। यानी आपसे यदि यह भी पूछ लिया जाए कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का पुराना नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बल। इस नाम से स्थापित किया गया था। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया है। तो आज CRPF का स्थापना दिवस है, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस है। शाही पाठशाला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी जवानों को सैल्यूट करता है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और शाही पाठशाला के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल सुबह। धन्यवाद।